अबे तू रुक जाना यार, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उसके साथ लड़ना, पोकेमोन के साथ लड़ना, एक नाबालिग को क्यों मार रहा है? अबे रुक जा भाई मेरे, रुक जा मेरे लाल पीले। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइस आज मैंने बहुत ही खतरनाक वाला एक प्रतिज्ञा ले रखी है। ये वाली प्रतिज्ञा मेरी इतनी खतरनाक है कि गाइस आज मैं पकड़ने जा रहा हूँ जेड ड्रैगन को। भाई मेरे को थोड़ा सा सोच के डर लग रहा है कि क्या सच में मैं उसको पकड़ पाऊंगा। वैसे तो अपना लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है एंड काफी हम लोगों ने मैप भी एक्सप्लोर कर लिया है, बट मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है जेड ड्रैगन की। वैसे मैं उसको ढूंढने के लिए गया हुआ था, इधर पे मैं ढूंढ के आया था, पर मेरे को अभी तक नहीं पता। तो फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने गूगल बाबा की मदद लें। तो चलो यार जल्दी जल्दी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, वेयर इज द लोकेशन ऑफ जेड ड्रैगन। तो चलो खोलते हैं गूगल, WHWHER, वेयर इज द लोकेशन ऑफ जेड ड्रैगन ऑन इन पाल वर्ल्ड, है ना, इन पाल वर्ल्ड। ठीक है चलो गाइस देखते हैं। भाई ये तरीका सबसे आसान है, इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे है। ओके, द वोल्केनिक आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द मैप। और भाई सबसे, अगर आपको इसमें भी समझ नहीं आया तो सबसे अच्छा तरीका अपने पास, हम लोग इमेजेस में जाएंगे एंड इधर पे जाके देख लेंगे, इधर पे इसको कर रखा है हाईलाइट, सिंपल खत्म। हम लोग को इस जगह पे जाना है बिल्कुल इजी पीजी वे। मतलब मेरी तरह कोई अगर ज्यादा ही दिमाग वाला ना तो वो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। yes. तो चलो इस जगह पे चलते हैं। ओके, फाइनली हम लोग आ चुके हैं एंड हमको आई थिंक यहाँ कहीं पे जाना है एंड उसके लिए हम लोग तैयार करते हैं अपने बीकन को, बिकॉज उस जगह पे जाके हम लोग फायर टाइप के पोकेमोन्स को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारी बॉडी में ही आग लगने लग जाती है। तो हम लोग सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसकी जगह पे लेते हैं हम लोग बीकन। वेयर आर यू बीकन, कहाँ पे है, कहाँ छुपा हुआ है? दिखी नहीं रहा बीकन, बीकन ये रहा बीकन, भाई नीचे बैठा है हरामी कहीं का। और हाँ, जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए हमारे पास आइस टाइप के पोकेमोन्स होने चाहिए क्योंकि भाई वो ही पोकेमोन उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी अटैक्स करते हैं। तो चलो यार हम लोग सबसे पहले अपने आइस टाइप पोकेमोन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक फ्रोस्टेलियन को चूज किया है, साथ के साथ में मैं करने वाला हूं इसको सैबलेक्स को। ओके चलो इसको भी ले लेते हैं एंड 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 पैंकिंग भी वैसे है तो इसका 46 लेवल है, इसका 47 लेवल है, चलो कोई बात नहीं चल जाएगा। अनुबिस को भी हम लोग हटा देते हैं एंड एंड साथ साथ में हम लोग ले लेते हैं एक, ये ले लेते हैं क्या नाम है इसका, रेप्टायरो। ठीक है, रेप्टायरो को ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम लोग मेमोरेस क्रेस्ट को। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोकेमोन बहुत हैवी होने वाले हैं उसके ऊपर, लेकिन मैंने अभी तक भी खुद को बचाने के लिए एक पोकेमोन नहीं लिया। मैं कैसे लड़ूंगा, मतलब भाई मेरे को खुद को बचाने के लिए एक पोकेमोन चाहिए जो कि है ये, तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ ग्लेक्लो का। तो चलो हम लोग चाहते हैं सीधा और हम लोग बिल्कुल आस पास में ही फास्ट ट्रेवल करते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं सीधा टावर के पास चले जाते हैं इधर से एंड इधर से हम लोग उड़ के जाएंगे। यस, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में। अच्छा आज मैं आबाद हूँ दुनिया के चमन। चलो हम लोग को अभी देखना है हमको किस साइड जाना है। ओके, हमारी लोकेशन शायद बिल्कुल सामने ही है। ओके, हम लोग बिल्कुल सामने जाएंगे, फटाफट हम लोग सही जा रहे हैं ना। ओके, बिल्कुल सही लोकेशन पे जा रहे हैं और अभी हम लोग पकड़ लेंगे भाई, आज तो पकड़ ही लेंगे भाई जेट ड्रैगन को। हम लोग को फिर यार ये पंछी पे ना इतना आराम से नहीं उड़ना पड़ेगा यार, बहुत दिमाग खराब होता है भाई, इतनी आराम से उड़ता है ना भाई ये, बस क्या बोलूं बीकन को। चलो फटाफट से चलते हैं, आगे तो कुछ भी नहीं है, हम लोग कहां जा रहे हैं, आगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है भाई। ओके, नहीं बहुत कुछ है। चलो वो हम काफी ऊपर है ना अभी, इसी की वजह से हम लोगों को काफी दूर तक का एरिया दिख रहा है। ओके, यही कहीं पे जेट ड्रैगन की लोकेशन बताई थी इंटरनेट पे, तो गूगल के ऊपर गूगल बाबा ने हमको यही लोकेशन दी थी। अब हमको इधर पे जेट ड्रैगन की कहीं पे लोकेशन नहीं दिख रहा, नामो निशान ना दिख रहा। ओके, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं गाइस। चलो चल भाई मेरे बच्चे, देखते हैं इधर पे कहाँ पे है जेट ड्रैगन। जेट ड्रैगन आज हम आ रहे हैं, तुमको आज पकड़ के ही रहेंगे भाई। कहाँ पे छिपा हुआ है जेट ड्रैगन तू? तो गाइस सारे बंदे सब्सक्राइब करो, ठीक है यार, हम लोग और भी गेम्स खेलने वाले, अगर आप लोग रिस्पांस नहीं दिखाओगे तो कैसे मजा आएगा बताओ यार। अभी हम लोग माइनक्राफ्ट भी खेलने वाले हैं, GTA भी खेलने वाले हैं एंड कभी कभी इस चैनल के ऊपर महीने दो महीने तीन महीने में एक फ्री फायर की वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कर दिया करेंगे थोड़ा सा काम। ओके, कहाँ पे है जेट ड्रैगन, दिख जा भाई, तेरे को ढूंढने के लिए हम लोग इतनी दूर आ गए, पता है कहाँ पे है भाई तू? भाई कहीं दिख ही नहीं रहा यार भाई, अभी भी अनलॉक नहीं हुई इसकी लोकेशन। चलो हम लोग फटाफट से रखते हैं इधर पे बीकन को, उठाते हैं। ओके, फटाफट से चलते हैं गाइस, देखते हैं इधर पे कहीं पे तो दिख जाए जेट ड्रैगन। ओके, अबे एक मिनट, ये कौन सा पोकेमोन है? ब्लेज हॉल। ओके, 37 लेवल का, बेटे तुझे तो पकड़ के लेके जाऊंगा मैं, आ जा भाई साहब इसको पकड़ के लेके जाएंगे। ओके, बहुत ही अच्छा अटैक, हम लोग को इसके ऊपर फ्रोस्टेलियन को छोड़ देना चाहिए और लावा टाइप के ऊपर शायद आइस टाइप बहुत ज्यादा। ओए कितना गंदा अटैक मारा, आधी हेल्थ खत्म, मरेगा क्या? आजा भाई,
कैप्चर हो जाएगा। थैंक यू फ्रॉस्टेड इन। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा डैमेज हो दे, मार मत देना। अबे खत्म कर दिया यार, बड़ा बदतमीज पोकेमोन है भाई, दिल दुख गया मेरा तो। ओके 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 ओके, हम लोग लावा में तो आ चुके हैं भाई, पर यहाँ पे अभी तक भी हम लोग को ओ तू जल मत, वापिस आ, चल रहा साला भाई। जेट ड्रैगन तो अभी भी नहीं दिखा गाइस, तो हम लोग उड़ के ही जाते हैं कहीं पे यार। भाई ब्लेस आउल को तो पकड़ेंगे। ओए ओए, मेरे अंदर आग लग गई, कहाँ से? चल चल चल, अबे यार आग ही लग गई भाई, मेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी यार। मैं मर गया, मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मैंने छोड़ दिया सब कुछ भाई। रुक जा यार, ओ बच गया भाई, मैं बच गया। ओके ओए ओए, इधर पे एक और पोकेमोन है। ये कौन सा पोकेमोन है, इसका क्या नाम है? अबे क्या नाम है इसका? ओके गाइस, हमारे सामने है इंसिनेरम, पता नहीं क्या क्या नाम है भाई। ओए अटैक मत कर भाई, मैं तुझे मारा, अब तुझे मेरा साइबलस देखेगा। ओए नहीं भाई, साइबलस यार अटैक करना, कहां जा रहा है तू? बड़ा बदतमीज है साइबलस, इधर जा, इधर से जा। चल साइबलस दिखा दे जलवा, एक अटैक दे प्यारा सा। ओए भे नहीं, वो भी 400 का डैमेज। सेवलेक्स भाई मार। ओके 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 ओके, सिर्फ 39। अबे सेवलेक्स वापस आ यार, फ्रॉस्टेलियन तू जा यार, तू ही दिखा सकते है कि जलवा। ओके फ्रॉस्टेलियन का अटैक काफी हैवी है। चलो 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 चलो, ओ वापिस आ, मर जाएगा वो बच्चा अभी। चल आ जा वापिस, अंदर आ जा भाई, पकड़ा जाएगा। है क्या बदतमीजी है भाई ये, क्या बदतमीजी है ये? नहीं तू क्या सोच रहा है कि तुझे मैं पकड़ नहीं सकता, मैं तुझे नॉर्मल, अबे हाइपर स्पेयर का, अबे हाइपर स्पेयर मैं यूज नहीं करना चाहता। अबे आजा वापस, मैं नॉर्मल स्पेयर यूज कर रहा हूँ, गीगा स्पेयर। अबे आजा मेरा लाल पीले, आजा भाई, क्या अटैक करेगा? मैं तेरे जैसे बच्चे बहुत पकड़े हैं मैंने, आजा। अबे क्या बंदा है भाई तू, 39% कैप्चर रेट, इसमें तो पकड़ा की आंख भाई, क्या है ये? पकड़ा जा। ओके गॉड, फाइनली ये पकड़ा गया भाई, सही है भाई, इसे बोलते हैं भाई जलवा, हम लोगों ने फाइनली पकड़ लिया है। लेकिन यार अभी भी हम लोग को जेट ड्रैगन नहीं देखने को। अबे तू अटैक क्यों कर रहा है, ये क्या है बे? बीकन भाई तू खुद से प्रोब कब से बनने लग गया, जब मैंने तुझे कुछ बोला ले आ गया स्वाद, अभी भी तो लगा ना हमको अटैक। भाई मैं तुझे आके देखूंगा, तू याद रखूंगा मैं तुझे, तू मेरे हद चढ़ेगा मैं बता रहा। और ओके यहां से मुझे लग रहा है कि यहां पे हो सकता है जेट ड्रैगन, बिकॉज यहां का जो व्यू है बहुत ही खतरनाक है। हम लोग चलते हैं इधर से देखते जाके, ये पक्का जेट ड्रैगन की लोकेशन है, आई एम 100% श्योर, बिकॉज भाई इसका जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, ये सही में एक अलग सा ही स्ट्रक्चर है। हम लोग आ चुके आई थिंक यार, आप तो मिलता जेट ड्रैगन। ओके जस्ट बगल में अपने जेट ड्रैगन मुझे मैप में दिख गया, ये रहा 550 लेवल का जेट ड्रैगन, ओपी अब आने वाला है मजा, ये रहा। ओ भाई इसको भाई पकड़ने के लिए मैं सीरियसली बहुत ज्यादा ही उतावला था, एंड अभी मैं पकड़ने वाला हूँ आज जेट ड्रैगन को। गाइस सीरियसली भाई इसके साथ फाइट करना ना बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, और इसके साथ मुझे पता है मेरी फाइट चलने वाली है कम से कम 25 से 30 मिनट। ओके चलो हम लोग फटाफट से आ चुके अपने लोकेशन पे। मैं सोच रहा हूँ ना गाइस इधर पे पाल बॉक्स लगा दे क्या, बहुत इजी पड़ेगा इसको मारना, सही बता रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि पाल बॉक्स लगाते हैं। ओके हम लोग इधर पे पाल बॉक्स ही लगाते हैं। ओके अपने पास प्लैटिनम फ्रैगमेंट्स है, तो एक मिनट चेक करते हैं, प्लैटिनम फ्रैगमेंट्स ही नहीं है भाई, पाल्टिम फ्रेगमेंट इधर पे कहां से लाए हम लोग? ओके हम लोग थोड़ा सा इधर पे लगाए क्या पाल्टिम फ्रेगमेंट, अपने को किनारे पे पड़ा हुआ मिल सकता था, पर इधर पे तो कुछ भी नहीं है भाई, इधर तो भाई लावा ही लावा है, कहां पे मिलेगा यहां पे पाल्टिम फ्रेगमेंट? ओके आसपास अपना देखते हैं गाइस, एक बार ढूंढते हैं, पेड़ तो अपने पास है ही है, स्टोन भी अपने को इधर से इजी पीजी मिल सकता है, और भाई इधर पे कितनी बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी हैं, पता नहीं भाई इतना बड़ा पोकेमोन कहां पे से मिला होगा इन लोग को। ओके अपने को इधर पे मिल सकता है गाइस, पाल्टिम फ्रैगमेंट अपने को इधर पे मिल सकता है। अबे ये चुड़ैल है कहां से आ गई बे? अबे चुड़ैल नहीं है। चलो फटाफट से चलते हैं इनके पास से अपने को पाल्टिम फ्रैगमेंट। अबे आग मार रहा है, अबे गधे का बच्चा, अबे मैंने क्या बिगाड़ा था तेरी मां की आंख, रुक चल आजा फ्रॉस्टेलियन आजा। ओके अभी बताएंगे तुझे भाई, अभी बताएंगे तुम लोग को यार, इधर पे का पाल्टिम फ्रैगमेंट्स मिल भी जाएगा कि नहीं? तो मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा इधर पे कहीं पे भी। ओके नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। इधर पे हमारे फ्रॉस्टेलियन ने एक को निपटा दिया, इधर से कुछ सामान मिला, इसमें सामान भी देखते हैं कुछ है कि नहीं। फ्लेम ऑर्गन्स का मैं क्या करूंगा, अबे खत्म ये हो गया। ओके गोल्ड कॉइंस मिल रहे हैं भाई। हम लोग ऐसा करते हैं भाई, हम लोग अभी पाल बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधा फाइट करेंगे, ठीक है? बात खत्म, सीधा फाइट करेंगे, अपने फ्रॉस्टेलियन को भिड़ाएंगे भाई अब जेट ड्रैगन से। अबे जेट ड्रैगन कहां पे? अबे जेट ड्रैगन इसकी लोकेशन ही बहुत टेढ़ी मेढ़ी है भाई। चलो हम लोग को नीचे आ गया, हम लोग ऊपर की तरफ है, जेट ड्रैगन में नाम ही नहीं ले पा रहा साला इसका। ओके गाइस तो फटाफट हम लोग जेट ड्रैगन को दोबारा से ढूंढते हैं, और कहां पे जेट ड्रैगन भाई? दिख ही नहीं रहा, फिर से गायब हो गया क्या? डर गया क्या जेट ड्रैगन? ओ जेट ड्रैगन कहां पे है तू? कहां है कुछ कहीं पे भी नहीं दिख रहा भाई। हम लोग थोड़ा ज्यादा आगे आ गए आई थिंक, इधर की तरफ जाना है क्या?
ओके इधर की तरफ जाना है हम लोग, कुछ ज्यादा ही आगे आ गए थे। चलो यहाँ पे देखते हैं ये राज जेट ड्रैगन की असली वाली लोकेशन। ओके ओए मैं इतना नीचे गिर गया, नहीं ओए मत मारना ओए मैं मर जाऊंगा, मेरे को हेल्थ पुल करने दे। ओ जेट ड्रैगन मेरी तरफ ही आ रहा है भाई, मैं नहीं लड़ रहा अभी फिलहाल में, नहीं नहीं मुझे नहीं लड़ना भाई, भाई है तू मेरा भाई है, भाई है भाई है भाई है तू, मत मार यार। ओके ये मेरी तरफ नहीं आ रहा था, मैंने इसको अभी तक छेड़ा नहीं है इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ। रुक जाओ गाइस मैं अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ पहले, ठीक है तब तक हम लोग वो करते हैं। ओम भूर्भुवस्सव तत्सवितुर्वरेण्यम् वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो हमारी हेल्प फुल हो गई है, हम लोग चलते हैं मंत्र मार के, चलते हैं गाइस मंत्र मार के। चलो चलो गाइस अभी हम लोग पहला सीधा डायरेक्ट हम लोग इसके ऊपर छोड़ने वाले हैं अपना। ओए इसको ना एक बार ना वो मारते हैं। ओए तू मेरे को देख के भाई तू लड़ने चाहता क्या भाई सब? अबे ये जेट ड्रैगन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो भाई हूँ तेरा, मत मार मुझे, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ। अबे अबे मत कर, तू उसके साथ लड़ना पोकेमोन वर्सेस पोकेमोन करना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? ये बहुत पावरफुल है। अबे तू मुझे मेरे ओके 38 का डैमेज। वाओ वाओ मेरे पीछे पड़ा हुआ है बे गधे का बच्चा, मुझे मारने के पीछे क्या? बे तू रुक जाना यार, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उसके साथ लड़ना पोकेमोन के साथ लड़ना, एक नाबालिग को क्यों मार रहा है? अबे रुक जा भाई मेरे, रुक जा मेरे लाल पीले। ओ मेरे अंदर आग लग गई, मैं खाना भी नहीं लेके आया, 45 है भाई मैं गया। भाग यार जेट ड्रैगन मुझे क्यों मार रहा है तू? अबे पोकेमोन के साथ लड़ना तू, क्या आदमी है भाई, गंदा आदमी है सही में। मेरी हेल्थ खत्म, मेरी हेल्थ खत्म, मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया। ओके उसने जमा दिया उसको, मैं बच गया थोड़ा सा। ओके अबे तू फिर मेरे पास आ गया, तेरी मां की आग। ओ भाग यार इधर से, मैं क्या करूं? ओ तू दूर रह भाई मेरे से, सारे टोर्नेडो पोर्नेडो मेरे पे छोड़ दे भाई तू। अबे यार रुक जा मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, रुक जा, मेरे को क्यों मार रहा है तू कुत्ते के बच्चे? इतना बड़ा पोकेमोन तेरे साथ लड़ रहा है, अबे कितने बुरे बुरे अटैक कर रहा है। अबे रुक जा भाई, ओ ये इतना पावरफुल है भाई। भाई ये मैं फिर मेरे पास आ गया, काले मुंह वाले दूर हो जा, बच गया मैं भाई। उड़ता भी तो कितनी तेज है ये, दूर 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 दूर। ओके 31 का डैमेज दिया, हमारे फ्रोस्टेलिन की हेल्थ जा रही है, हमारे फ्रोस्टेलिन की हेल्थ जा रही है। अभी तेरा खाना खत्म होगा, फटाफट 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 खा फटाफट खा, जल्दी 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 जल्दी। ओके लड़ तू, फ्रोस्टेलिन के बस की बात नहीं है भाई, आज हम लोग गंदा पिट्टे वाले हैं। ए दूर तू मेरे से क्या ले रहा है गधे के बच्चे? ओए नहीं मैं बच गया, 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 मैं बच गया। अबे दूर रह बे दूर रह, वापस आ फ्रोस्टेलिन, तू लड़के कहां जा रहा है मैदान छोड़ के? ओए भाई साहब, भाई अभी तक हम लोग सिर्फ इसकी 600 के आसपास ही हेल्थ खत्म कर पाए हैं, 600 भी नहीं सिर्फ 500। ओए नहीं यार भाई मेरे साथ क्यों लड़ रहा है तू? वो इसके अंदर आग लगा देते हैं गाइस, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक तरीका, इसकी बजाय ना हम लोग इससे ना रेप्टाइलो को लड़वा के देखते हैं। ओए नहीं 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 नहीं। अबे छोड़ दे भाई बच्चा हूं मैं। ओके भाई ये क्या अटैक कितने खतरनाक है बे, भाग भाग। और रेप्टाइरो मुझे ही जला रहा है, रेप्टाइरो तू मुझे ही जला रहा है भाई, मेरे पास अभी उतना स्ट्रॉन्ग आर्मर नहीं है। रेप्टाइरो का हम लोग यूज नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग बिल्कुल लावा वाले एरिया में और इधर पे पहले से हीट है, हम लोग ऐसे पोकेमोन का यूज करेंगे तो खाम खा मारे जाएंगे। दिखा दे भाई दिखा दे, ये मेरे ऊपर फेंक दे सारी चीजें भाई तू, ये जेट ड्रैगन भाई रुक जा तेरी मां की आग। भाई हम लोगों ने फिर भी काफी हेल्थ इसकी डाउन कर दिया, काफी तो नहीं बोल सकते। ओके 12,000 से सिर्फ 11,000 के है भाई, तू सारे आग वाग मेरे पे लगा दे भाई, मैं तो लड़ लड़ के परेशान हो गया। अबे मच्छर ने और खा लिया मुझे, तू दूर हट, दूर दूर दूर, हम लोग मरने वाले हैं भाई, लिखवा लो मेरे से, हम लोग मरने वाले हैं, पिटेंगे हम लोग, हम लोग पिटेंगे। चल चल चल, मैं तो सोच रहा हूँ गाइस हम लोग भाग जाते हैं इधर से, मैं तो भाग रहा हूँ भाई, मैं तो भाग रहा हूँ भाई, और ये मुझसे बहुत तेजी से मेरे पास में आएगा ये उड़ के। अबे उड़ता भी तो बहुत तेज है सुअर के बच्चे, दूर हट जा मेरे से। अबे दूर 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 दूर। ओके भाग 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 भाग, जान बची तो लाखों पायल, लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई भाई, मैं तो खुद को बहुत बड़ा प्रो समझ रहा था, इसने तो मेरी औकात दिखा दी। रुक रुक तू, मैं वापिस आ रहा हूँ, रुक रुक, अब की बार भाई मैं ऐसे लड़ने नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पे आके अपना पाल बॉक्स लगाऊंगा और उसके साथ इसको पकड़ूंगा। सारे पोकेमोन वर्सेस एक जेट ड्रैगन, बहुत ही क्रेजी फाइट होने वाली है। चलो 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 फटाफट से हम लोग ये ले लेते हैं यार, हम लोग थोड़े से ना भाई, मेरे को जिस हिसाब से इसकी पावर लग रही है ना, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसके लिए 15 लेजेंडरी बॉल भी बहुत होंगी, बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल है। हम लोग जाते हैं, ये एग वेग पड़े हैं भाई इधर पे, कलेक्ट कर लेते हैं एक आध एग को, फटाफट चलते हैं। वो यार हमारी वो भर चुका है भाई, फ्लेम ऑर्गन्स फेंक लेते हैं, फिलहाल में कोई जरूरत नहीं है फ्लेम ऑर्गन्स की, फटाफट चल भाई। हम लोग के आसपास ये एक फास्ट अपने पास ट्रैवल
वाला ऑप्शन है, तो हम लोग इसी के पास जाते हैं फटाफट से, और इधर से हम लोग फास्ट ट्रैवल का अनलॉक करके सीधा पहुंचेंगे अपने बेस पे फटाफट से। ओके गाइस, तो फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो चुका है अपना, सीधा चलते हैं अपने बेस पे। एंड अभी इधर पे हम लोग नेक्स्ट टाइम जंप करेंगे, ठीक है। तो ये रहा अपना बेस, एंड अभी थोड़े से मेरे को लगता है कि 15 स्पेयर में आ ही जाएगा यार, कोई बहुत बड़ा पोकेमोन नहीं है भाई। उसको उसकी औकात दिखाएंगे, रुको दिखाएंगे। ओके, थोड़ी सी यहाँ पे अपनी पल्स पेयर वगैरह बना लेते हैं, फटाफट से चलते हैं। चलो 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 चलो, इधर पे अपने पास थोड़े से और इंगट्स हो चुके हैं कि भाई इसको भी यहीं पे रख देते हैं। ओके, अब देखो सिंपल काम हमको करना क्या है, ठीक है। एक लेके जाएंगे पैल्डियम फ्रिगमेंट, एक लेके जाएंगे 15 लेके जाएंगे वुड, और 4 से 5 लेके जाएंगे स्टोन, बस इतना। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना, और सारे पोकेमोन को छोड़ देंगे उस जेट ड्रैगन के ऊपर। अरे देखो औकात दिखा दी मेरी, कोई बात नहीं, उसको उसकी औकात दिखाएंगे, थोड़ी देर का और गेम है भाई, अभी दिखा देंगे उसको उसकी औकात। ओके गाइस, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे पाल स्पेयर वगैरह बना लेते हैं, लेजेंडरी स्पेयर। ओके, 4 बन सकती हैं, तो मेरे को लगता है 19 तो मतलब ठीक है, इतनी 19 में तो आ जाना चाहिए भाई, आ जा। चलो अबे यार, अनुबीस कहाँ पे है, ये क्या चिंदी चोरों को लगा रखा है, अनुबीस कहाँ पे हो तुम लोग, अनुबीस जल्दी से आओ, इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, अनुबीस ही करेंगे भाई इधर पे काम, अनुबीस के अलावा कोई भी इधर पे काम नहीं कर सकता, बदतमीज हो तुम लोग सारे के सारे, बदतमीज पोकेमोन। अनुबीस आ जा, अनुबीस भी नहीं आ रहा भाई, क्या बोलूं यार इन लोग को, इन्हीं को लगा देते हैं काम पे, और गया मजाक कर रहा था भाई, तुम लोग हेल्प करो मेरी, आ जाओ। और ये डक्सी में लेके आया था भाई, कोग्निटो करके इसका नाम है। चलो जो भी है देखा जाएगा, हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। ओ ये भी बहुत, ओ अनुबीस आके लग चुके थे। ओके, टोटल अपने बन चुके हैं 19 स्पेयर, एंड अभी हम लोग फटाफट से एक पाल्डियम फ्रेगमेंट उठा के लेके आते हैं। चलो सबसे पहले जाएंगे हम लोग इधर पे, इधर पे जाने के बाद हम लोग को इधर पे आना है, इधर पे आने के बाद हमको इधर से शिफ्ट दबा के सिर्फ एक पाल्डियम फ्रेगमेंट चाहिए। ओके, बस एक ही लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेके जाने का बिल्कुल भी भाई, टेंशन लेने की नहीं है भाई। चलो इनको भी रख देते हैं, अब हम लोग जाते सीधा, थोड़ा सा फूड भी लेके चलेंगे गाइस साथ में, क्योंकि पिछली बार हमारे साथ पोकेमोन की ना हेल्थ खत्म हो गई थी और हम लोगों ने फूड नहीं लिया था। ओके, हमको 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 क्या लेना था, हमको थोड़ी सी वुड भी लेनी थी, वुड वगैरह तो वहीं से कलेक्ट कर लेंगे। फटाफट से सीधा चलते हैं अब दोबारा से मार खाने, नहीं मारने, ठीक है, अब की बार नहीं छोड़ेगा तुझे जेट ड्रैगन, तुझे तेरी औकात दिखाएंगे भाई, हम भी प्रो है भाई। चलो सीधा जेट ड्रैगन के पास मिलता हूँ आप लोग को। ओके भाई लोग, फाइनली हम लोग फिर से आ चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा वाला बेशरम हूँ मैं, छोटे मोटे वाला नहीं, छोटा मोटा तो होता चल जाता है, पर इसने पंगा भी किससे लिया है, मुझसे भाई, अब इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे एक स्टोन पड़ा है, अभी मुझे ऐसे स्टोन कलेक्ट करना होगा क्या, एक आध स्टोन का वो नहीं मिल जाएगा क्या मुझे बड़ा वाला। ओके, वो 2 स्टोन मिल चुके हैं, तू वापिस आ, वो सामने क्या पड़ा है, ये किस चीज का वो है, ये क्या है, वो क्या चीज है तू, और भाई तू मेरे पास मत आ भाई, तू दूर रह, अभी दूर रहे, अभी तो भाई चार, ओ तू मत कर यार, तुझे मेरे से फाइट नहीं करनी, मैं रुक जा, ओ रुक जा रुक जा रुक जा, अरे तू पागल है क्या, दूर दूर, मैं सारे के सारे मेरे साथ ही लड़ने लग जाओ, कि आंख पाग 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 पाग, क्या है भाई ये, इसके पास जाना भी पाप है। रुको हम लोग थोड़ा सा भाई, पहले तो ना थोड़ी सी वुड तो अपने को यहीं से मिल जाएगी, चलो हम लोग वुड कलेक्ट कर लेते थोड़ी सी। ओके चलो, अपने को टोटल 15 वुड चाहिए, चलो फटाफट से कर लेते हैं। ओके ओके, 7-8, अबे तू मेरे पीछे मत आ भाई, मैं तुझे निपटा दूंगा, जा जा फ्रोस्टेलिन, जा तब जा जा, तू उसको मार, मैं देखता हूँ इसको, तब तक मैं इधर से वुड इकट्ठा करता हूँ। चलो हो चुकी है, कहाँ जा रहा है भाई, अपने बाप से लड़ना, मेरे पीछे क्यों आ रहा है भाई ये, भाई मैं बच गया, मैं तो कवर में खड़ा हूँ भाई, फ्री फायर खेलने की आदत है ना, तो कवर में भी मैं चलता है। चलो अपने पास, ओके अपने पास टोटल हो चुका है स्टोन, कितना, 4 स्टोन हो चुके हैं, एक और स्टोन का वो ढूंढना है, बस फटाफट से ढूंढ लेते उसको भी। ओके गाइस, तो स्टोन ढूंढता मैं इतनी दूर आ गया, मुझे अभी तक स्टोन नहीं मिला, सच में यार भाई क्या तो बोलूं, मेरी जिंदगी कैसी है भाई, जा यार स्टोन, स्टोन वेयर आर यू, एक पत्थर का टुकड़ा नहीं मिल रहा भाई इधर पे, चारों तरफ कोयला है बिल्कुल मेरे तरह, चारों तरफ कोयला है और कुछ नहीं है, फटाफट कहां पे भाई लोग, ये दिख ही नहीं रहा, एक स्टोन का टुकड़ा देने में ये गेम वालों की ऐसी की तैसी हो जा रही है, सोचो मैं इतने बड़ा कमजोर सा इंसान भाई जेट ड्रैगन के साथ लड़ रहा है, ये तो पूरी की पूरी नाइंसाफी है। चलो हम लोग सारे के सारे पोकेमोन लड़वाएंगे आज जेट ड्रैगन से, चलो हमको उसके लिए थोड़े से पत्थर चाहिए, और तू वापिस आ, तू लड़ मत लेना भाई, जेट ड्रैगन अगर तूने छेड़ दिया ना तेरी चटनी बना देगा, देखा था ना तूने तब तेरी औकात बताई थी उसने, जा भाई इसके साथ लड़, तू ब्लेजोल के साथ लड़, इसको भी लड़वाएंगे हम साथ में, अरे नहीं नहीं मार रहा, भाई शांति प्रिय भाई मेरा पोकेमोन भाई, बिल्कुल शांति प्रिय, कुछ भी नहीं बोलता है भाई, कुछ भी नहीं, देखो ऐसा इतना सुंदर, देखो मेरे पीछे आ रहा है भाई, यही चीज तो चाहिए बस, ये पत्थर पड़ा है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते भाई, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ओके एक एग पड़ा है, इसको उठा लेते हैं फटाफट से भाई, पकाने के काम आएगा, नहीं आई मीन बच्चे निकालने के काम आएगा भाई इससे, चलो दिख जा यार कहीं पे तो दिख जा भाई, एक रोक नहीं दिख रहा भाई। ओके गाइस, फाइनली इतनी देर लड़ने के बाद वो वापिस आ, लड़ मत ओके 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 ओके
हम लोग खाना नहीं लाए। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, क्या मतलब मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती क्या? ओके इधर पे हम लोग लगाएंगे। आजा आजा जेट ड्रैगन, तुझे तेरी औकात बताऊंगा, रुक आसपास ही लगाऊंगा तेरे भाई मैं अपना पाल बॉक्स। लग जा भाई कहीं पे भी, लग जा यार कहीं तो लग जा। ओके कैन नॉट बिल्ड एनी मोर बेसिस बिकॉज हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बेसिस बना रखे हैं, तो हम लोग को एक आध से जगह से तो डिस्ट्रॉय करना होगा ना अपना बेस। कहाँ पे बना रखा है हम लोगों ने एक्स्ट्रा? ओके ये बनना पड़ा हुआ है, इसको कर देते हैं डिसेंबल कर देते हैं इसको। चलो हो चुका है आई थिंक, हम लोग अभी बना सकते हैं। ओके इतने बताओ यार हम लोग भाई हम लोगों ने क्यों ढूंढा फिर यहाँ पे पार्टी फ्रेगमेंट्स और ये सब चीजें ढूंढने में इतना टाइम वैसे ही लगाया, हम लोग को इधर से भी क्रेडिट हो गई भाई सारी की सारी चीजें। क्या बोलो भाई मेरी जिंदगी ना मेरे साथ मजे ले रही है भाई, सही बता रहा, जिस दिन मैंने जिंदगी का मजे लेने स्टार्ट कर दिया ना जिंदगी बोलेगी क्या वाह मजा आ रहा है। ओके गाइस तो चलो यार सामने जेट ड्रैगन है और अभी हम लोग करने वाले हैं सीधा पाल बेस यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसके आसपास लग जाएगा क्या? नहीं नहीं लग सकता, इसके बिल्कुल पास में लग सकता था, हम लोग बहुत ही पास में हैं जेट ड्रैगन के। क्या जेट ड्रैगन इतनी दूर आएगा? आएगा, ओ आ गया, मैं इसके थोड़ा सा तो दूर ही लगाऊंगा भाई। ओके हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं हम, बिल्कुल एग्जैक्ट ये लोकेशन है। पर अगर जेट ड्रैगन इधर पे आ गया तो समझो जेट ड्रैगन तुझे मैं चटनी बना के खा जाऊंगा, कोई यूज हो जाएगा इस पे। ओके फटाफट से अपना सैबलेक्स बना रहा है भाई, बहुत मेहनती पोकेमोन है भाई मेरे, बहुत प्यारे प्यारे हैं, आज जेट ड्रैगन को तो पकड़ के ही रहेंगे। चलो ओके अब हम लोग इधर पे अपने पोकेमोन्स को छोड़ देते हैं, यहाँ पे सारे के सारे मैं आइस टाइप के पोकेमोन छोड़ूंगा जितने भी अपने पास में, और फायर टाइप भी। चलो इसको छोड़ देते हैं, साथ के साथ में इसको भी छोड़ देते हैं, ये आइस टाइप ये भी आइस टाइप वाले कुछ ज्यादा अटैक डैमेज देते हैं इसके ऊपर। ओके हम लोग एक आज इसको छोड़ देते हैं, ये क्रिस्ट मेमोराइज्ड। ओके टोटल अपने पास 20 पोकेमोन है, हम लोगों ने छोड़ दिया है। एक पोकेमोन से मैं इतने सारे पोकेमोन लड़वा रहा हूँ, ये कुछ इंसाफी वाला काम नहीं है, पर नहीं गेम में मजा तो आ रहा है। चलो चलते हैं, इधर जाते हैं जेट ड्रैगन को थोड़ा सा मार के आते हैं। जेट ड्रैगन आजा तेरी औकात दिखाता हूँ तुझे मैं, आजा। अच्छा आजा आजा मेरे लाल आजा, मारा नहीं ना मैंने, हट दूर बदतमीज। ओए भाई 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 ये बीम सी क्या, वो कितनी दूर, अच्छा दूर ज्यादा दूर तक अटैक नहीं कर सकती। ओके आजा 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 मेरे लाल आजा आजा, एक बार मेरे बेस में घुसा तुझे अभी बताएंगे। आजा भाई कहाँ चला गया, बड़ा बदतमीज है, यहाँ से वापिस चला गया ये भाई, ये तो हरामी है भाई, इसको लाना मुश्किल है, इसको लाना मुश्किल है। रुको पे पेड़ पे लग रहा है जाके, भाई ये कितना ज्यादा एरिया कवर करता है रे भाई, ये कितने दूर जा रहा है यार, एक तो इसको पहले लेके आना मुश्किल है। आजा भाई जेट ड्रैगन आजा आजा मेरे पीछे, आ पीछे आना आना, डरता थोड़ी ना तेरे से, आजा। ये क्या मेरे को आग कैसे लग गई, इतनी दूर था मैं तुझसे और मेरे तो कोई अटैक भी नहीं लगा भाई। यार इसको पकड़ना मुश्किल है, ये फिर वापस चला गया। मेरे पास एक ट्रिक है, दिखाऊं ये ट्रिक कितनी खतरनाक है? रुको मेरे पास एक और ट्रिक है इसको पास में लाने की। चलो हम लोग पहले ना इस जगह से दूर जाते हैं, क्योंकि भाई अगर हम लोग इधर पे लड़ते रहे ना तो भाई लोग हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ओके भाई 20 पोकेमोन वर्सेस जेट ड्रैगन होने वाला है। चलो हम लोग सीधा चलते हैं इस जगह पे, एंड इस जगह से हम लोग दोबारा से यहाँ पे स्पोन होएंगे ताकि वो हमारे पास में आ जाए। ठीक है ओके हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग सीधा जाएंगे इस जगह पे। चलो लेट्स सी जेट ड्रैगन आज तेरा खात्मा होके रहेगा बेटे बेटे, तू तो गया आज। ओके जेट ड्रैगन के पास फिर से आ चुके हैं हम लोग, आजा अब आजा, अब तो आएगा ना पीछे। ए भाई 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 आजा 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 आजा, तेरा तिलक करूंगा। ओके मेरे बेस में घुस गया, आजा आजा, ओबे अबे भाग गया, वापस भाग गया, फिर से वापस भाग गया भाई, सूअर का बच्चा। भाई मैं खुश हो गया था कि ले भाई अब की बार तो पकड़ा गया भाई, इसको बेस में घुसाना ही मुश्किल हो रहा है। रुको एक बार इसको बेस में घुसा के भाई अब तम लूंगा, आजा आजा अब तो आजा यार, अब तो आजा बेस के बिल्कुल किनारे पे आके भाई तू वापस चला जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। आजा 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 आजा, बड़ा बदतमीज पोकेमोन है। ओ फ्रोस्टेलियन तू इसके अंदर क्यों चला गया था, तेरी तो हेल्प की जरूरत थी, बड़ा बदतमीज है भाई तू अंदर क्यों गया, तू आग में जाके चल गया, बताओ यार फ्रोस्टेलियन मर गया यार, छी भाई फ्रोस्टेलियन की सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने को, बिना फ्रोस्टेलियन की तो बहुत मुश्किल पड़ेगा इसको मारना, क्या करे भाई मेरे पोकेमोनों को बदतमीजों को शर्म ही नहीं आती कि कैसे क्या होता है, पर कोई बात नहीं हम लोग ऐसे ही जाके लड़ेंगे भाई। आजा भाई फिर से हम लोग आ चुके हैं, अब की बार तो फाइट होगी, पक्का फाइट होगी गाइस, अब की बार पक्का 100% फाइट होगी, 100% श्योर हूँ। चल आजा, अबे 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 अबे, चल अब की बार गाइस फाइट होने वाली है,
और ये अबे मारो सारे के सारे मिलके, वो अपने बेस में घुसा है क्या बदतमीज हो क्या तुम? कोई भी पोकेमोन नहीं लड़ रहा इसके साथ, क्या मतलब क्या था ये? एक भी पोकेमोन ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। ओके गाइस, तो एक भी पोकेमोन ने उस पर अटैक नहीं किया, यार करना तो चाहिए था जहां तक मुझे लगता है। हम लोग अपना पोकेमोन ही लड़वा देते जाके, अनुबिस को फेंक देते जाके ले जाके। जा अनुबिस यार, तू ही दिखा जलवा, तू ही कुछ कर सकता है, चल आ जा अनुबिस, दिखा दे जलवा। ओके 38 करे, ओए 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 इतनी ज्यादा हेल्थ इसकी खत्म कर दी। ओके 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 ओके, इसकी काफी हेल्थ खत्म हो चुकी है। मेरे ऊपर अटैक करेगा बेटे, मैं तो साइड में हट जाऊंगा भाई। ओके ओके ओके, 67 का काफी डैमेज पड़ रहा है। ओके ओके गाइस, लड़ो सारे पोकेमोन। ओके फाइनली फाइट हो चुकी है। ओके गाइस, सारे के सारे पोकेमोन्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, अब आएगा ना मजा। अब बस मुझे पाल बॉक्स के पास खड़े रहना है और बस अब हमको बस अपने सारे के सारे पोकेमोन चेंज करने हैं गाइस, जो जो मर चुके हैं। आजा भाई आजा आजा आजा, जितने पोकेमोन थे आ जाओ सब के सब। ओके भाई फटाफट मार दे रहा है पोकेमोन्स को, तो फटाफट जितने पोकेमोन है सब आ जाओ भाई। अब हमको एक इसको भी रख देते हैं, इसको रख देते हैं। ओके ओए भाई नहीं, मेरे अंदर मार रहा है क्या? ओके भाई इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, सीरियसली इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है भाई। मेरे पोकेमोन्स की वाट लगानी स्टार्ट कर। ओए नहीं 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 भाई, मेरे पीछे पत पड़ यार, मेरे को तो बचना ही मुश्किल हो रहा है भाई इससे। ओके 9000 की हेल्थ बची हुई है। ओके फटाफट से हम लोग अपने पोकेमोन्स को हटाते हैं और हम लोग इधर पे कुछ बढ़िया बढ़िया पोकेमोन रखते हैं। ओके रेड जोरमेंटाइड आजा, तू भी बहुत अच्छा डैमेज देगा आई थिंक। ओके अपना फ्रोस्टेलियन चार्ज हुआ कि नहीं? फ्रोस्टेलियन तेरी ही तो जरूरत थी, अब आएगा ना मजा, अब आएगा मजा। अब अपनी सीट बेल्ट लेके बैठ जाओ। और भाई मुझे कहीं पे भी जेट ड्रैगन नहीं दिख रहा है। जेट ड्रैगन मैंने बोला था तेरी औकात दिखाऊंगा, अभी तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, रुक। ओके हम लोग पैंकिंग को भी छोड़ देते हैं। पैंकिंग अरे तू वापिस आ जा भाई, तेरा कुछ काम नहीं है ढंग से। ओके अबे ये कहां से निकल गया अभी? ओके ओके ओके, अरे भाई क्या पोकेमोन मारे भाई इसने मेरे, हमने अभी तक हमने पूरे टोटल पोकेमोन ही यूज़ नहीं करे अपने। आ जा किंग पाका, चलो 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 चलो, सारे के सारे पोकेमोन यूज़ कर लेते हैं। जोरमेंटाइड ब्रो तेरी जरूरत थी, आ जा। जोरमेंटाइड भी भाई बाहर निकल चुका है, सारे के सारे पोकेमोन मिलके इसको ख़त्म कर देंगे भाई। ओके किंग पाका मर चुका है बे, किंग पाका अपना भाई, हमने जो बहुत दूर से किंग पाका पकड़ा था वो खत्म हो चुका है। फटाफट से हम लोग देखते हैं सारे पोकेमोन चेंज करते हैं। ए ये आग में घूम रहा है भाई, आग में जा के मर जाएंगे ये लोग तो। वापिस आ, हमको चाहिए। किस पोकेमोन का हम लोग रखे? ओके तू आ जा। ओ जोरमेटाइड गया। के अंदर बस जरे से हेल्थ बची थी, मैं खाना लाना फिर से भूल गया भाई, बहुत अच्छा इंसान हूँ भाई मैं फिर से भूल गया। पैंकिंग ब्रो यू कैन डू इट। ओके दो पोकेमोन और अपने शहीद हो चुके हैं, हम लोग मेमोरेस्ट को रख देते हैं एक और को। चलो बहुत ओपी वाली फाइट चल रही है, गजब गजब भाई, मुझे तो दिख ही नहीं रहा भाई इतने सारे पोकेमोन, 20 पोकेमोन वर्सेस 1 जेट ड्रैगन, और एक जेट ड्रैगन को मार नहीं पा रहे भाई सारे पोकेमोन, समझ रहे हो क्या क्रेजी फाइट है ये? तो अल्ट्रा क्रेजी फाइट है भाई। अबे मेरे अंदर आग लग गई, मैं गया भाई, अगर मैं मरा तो खत्म काम भाई। सारे पोकेमोन्स की भाई वाट लग चुकी है। ओके भाई सब धरती वरती हिला दी इसने तो पूरी, फटाफट भाई हमारे कुछ काफ़ी पोकेमोन मर चुके हैं, फटाफट से चेंज करते हैं इनको भी। ओके ओके अपने पास पोकेमोन्स बचे ही नहीं है ज़्यादा। ओके इसकी जगह जोरमेंटाइड को रख देते हैं, एंड अपने पास जो यहाँ पे चलो फायर ओए इधर पे जगह बची हुई है भाई, एक स्लोट दो स्लोट खाली है। अनुबिस तू भी जा, तुम सबके सब लड़ाई करो। 6000 की हेल्थ बची है, जेट ड्रैगन ये रहा भाई, फिर से अपने एक और पोकेमोन मर चुका है भाई, ये फिर से ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह से हम लोग फिर से चेंज करते हैं। ओके चलो 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 चलो, हेल्थ बहुत फास्ट जा रही है, 6200 हेल्थ बची हुई है अभी फिलहाल में, सिर्फ 6000 हेल्थ बची हुई है। ओके बहुत तेज़ी से हमारे पोकेमोन्स बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, और मैंने ज़्यादातर यहाँ पे फायर टाइप के पोकेमोन्स को यूज़ करवाया है ताकि भाई ये लोग लावा के अंदर जाके ना मरे, क्योंकि फायर टाइप वाले लावा को थोड़ा सा सहन कर सकते हैं। ओके अभी अब तक अपने सारे पोकेमोन्स बचे हुए हैं, हम लोग पैंकिंग भी अपना लड़ रहा है क्या?
पैंकिंग भी लड़ रहा है, पैंकिंग भी लड़ रहा है। ओके इसकी हेल्थ सिर्फ 5600 बची है। ओए कितनी तेजी से हेल्थ जा रही है इसकी भाई। हम पोकेमोन्स का अंदर रखे क्या भाई? बहुत तेजी से हेल्थ जा रही है, बहुत तेजी से हेल्थ अंदर जा रही है इसकी, खत्म हो रही है। क्या हमको पोकेमोन्स को हटा देना चाहिए? नहीं तो इसको खत्म ना करते भाई ये, थोड़ी देर चलने देते हैं फाइट। चिकी पी भी ले लेते हैं, चिकी पी बहुत खतरनाक है भाई, हल्के में मत लेना चिकी पी को। ओके चिकी पी फटेगी उसके पास में जाके, और 9000 कुछ का डैमेज मारेगी। ओके चिकी पी मर चुकी है, ओके चिकी पी मर चुकी है। हम लोग कुछ पोकेमोन्स को वापस रख देते हैं ताकि हम लोग फाइट को थोड़ा इन्जॉय करें, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा ही वन साइडेड गेम हो गया अब तो। ओके हम लोग जोर्मनटाइड्स को लड़ने देते हैं। चलो जोर्मनटाइड वर्सेस एक जेट ड्रैगन, 3 जोर्मनटाइड वर्सेस एक जेट ड्रैगन, देखते हैं गाइस। टैंकिंग को भी छोड़ देते भाई, भाई 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 भाई, भाई, भाई तू मुझे पकड़ेगा क्या? ओके 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 बहुत सही डैमेज दे रहे हैं भाई, 4000 की हेल्थ बची है टोटल। चलो सारे के सारे मारो मिलके भाई, 4000 की हेल्थ है। रेड जोर्मनटाइड तो भाई आराम से वो लावा के अंदर जाके भी लड़ रहा है भाई, क्योंकि उसको तो लावा से फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। वाटर टाइप भी बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है, इसकी जो भाई बीम है ना बहुत खतरनाक रहती है। ए मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया। ओके भाई वाटर बीम बहुत तगड़ी रहती है इसकी सही में। ओके मेरा भाई मेरी हेल्थ जाने वाली है भाई। ओके चल 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 चल। नहीं यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ना कुछ पोकेमोन्स को और छोड़ देता हूँ फटाफट से। अपना वो कहाँ पे गया फ्रोस्टेलियन? कहाँ पे गया फ्रोस्टेलियन? तू कहाँ पे है? मेरे अंदर आग लग गई। गया भाई जेट ड्रैगन भाग गया, जेट ड्रैगन मेरे अंदर आग लगा के भाग गया और मैं मर गया। ओके गाइस तो जेट ड्रैगन फिर से अपने पास में है। ओके ओके गाइस फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी है। चलो 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 चलो। ओके भाई ये बहुत गंदा डैमेज मारता है। ओए भग 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 भाग भाग मिलकर भाग भाई। सब जोर्मनटाइड तीन जोर्मनटाइड मिलके भी नहीं मार पा रहे हैं इसको। रुको गाइस मुझे लगता है ना मुझे यहाँ पे भाई थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। फ्रोस्टेलियन कहाँ पे? रुको थोड़े से फायर टाइप पोकेमोन अपने लगा ही देते हैं भाई। भाई फ्रोस्टेलियन को भी मार दिया इसने। चलो फटाफट से, हम लोगों ने गलती करी गाइस, हम लोग लड़ सकते थे अभी भी। हम लोग को नहीं अभी अपने पोकेमोन हटाने चाहिए थे। ओके ओए ये क्या हो रहा है भाई? धरती धरती हिल गई, आसमान हिल गया। चलो 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 भाई इसकी हेल्थ पूरी की पूरी 3000 बचने वाली है बस। और ऑलमोस्ट इसकी हम लोग सिर्फ जब 1500 इसकी हेल्थ बचेगी तो हम लोग सारे पोकेमोन्स को अपने पाल बॉक्स के अंदर वापस रख देंगे। अपना एक पोकेमोन वापस, दो पोकेमोन शहीद हो चुके हैं भाई अपने। चलो हम लोग फिर से कुछ पोकेमोन लगाते हैं साथ में लड़ने के लिए। कौन कौन से? चलो 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 हम लोग सारे सारे आइस टाइप पोकेमोन लगाते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से चलो। ओके 3000 हेल्थ बची है भाई, 3000 हेल्थ भाई। भाई इसको मारने के लिए मैंने बोला था ना कम से कम आधा घंटा मेरी फाइट चलेगी, अगर मैं अकेला लड़ता ना भाई मैं नहीं मार पाता इसको, सीरियसली नहीं मार पाता भाई। ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, इसको मारना इतना मुश्किल है मैं क्या ही बोलूँ। ओके हम लोग अपने इन सब पोकेमोन को वापस रख देते हैं, क्योंकि भाई इनके अंदर तो बेचारे के अंदर हेल्थ ही ना बची। ओके 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 2000 के आसपास हेल्थ बची हुई है, 3000 के आसपास। फटाफट से ख़त्म कर यार, जल्दी ख़त्म करो ये भाई। ये मेमोरेस्ट लड़ ही नहीं रहा भाई, बड़ा बदतमीज मेमोरेस्ट है। लड़ भाई मेमोरेस्ट, यू कैन डू इट ब्रो। अरे भाई ये भी मर गए भाई, अपना एक सेबलेक्स मर चुकी है। कौन कौन से यूज़ करें, कौन कौन से यूज़ करें? मैं ज़्यादा पोकेमोन यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई एकदम से इसकी हेल्थ इतनी ख़त्म कर देंगे ना ये लोग, इसको एक मिनट में मार देंगे। फटाफट से हम लोग लड़वा ही देते हैं भाई, देखा जाएगा। आर पार की गेम होने वाली है भाई अब। ओके भाई 2000 के आसपास हेल्थ बची है, मैं वापस रख देता हूँ। मुझे लगता है कि ओके 1500 के अंदर हम लोग सारे पोकेमोन्स को वापस रख देंगे उनके पाल बॉक्स के अंदर, पाल स्पेयर में रख देते हैं फटाफट से। ओके फटाफट से हम लोग करते हैं, आराम आराम से कम करते हैं। ओके चलो रखते हैं रखते हैं रखते हैं।
ओके अपने तीनों जोरमन टाइट्स को लड़ने दो भाई, अब लड़ने दो भाई, अब मैं बीच में नहीं आऊँगा भाई। हम लोग इसके ऊपर एक फेंक के देखेंगे पाल पाल स्पेयर, 3% कैप्चर रेट है, नहीं हो पाएगा। चल भाई फर्स्ट अटेम्प्ट एट, नहीं हुआ। अभी भी भाई इसकी हेल्थ बहुत कम करनी पड़ेगी। कैप्चर रेट कितना है? 3%। नहीं होगा भाई 3% में, नहीं होगा भाई, ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। फिर से भाई जोरमन टाइट क्या कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाई इसको, बहुत ही गजब फाइट चल रही है भाई। सीरियसली ये कितना पावरफुल है भाई, मारो यार भाई। 1500 से नीचे अभी तक इसके हेल्थ करने में हम लोग की वाट लग चुकी है सीरियसली, पर हमारे सारे पोकेमोन अब मरने वाले हैं। एक जोरमन टाइट तो खत्म, देखा मैंने बोला था ना, एक खत्म हो चुका है। ओके इसको वापस रखते हैं, इसकी जगह पे हम लोग इसको रखते हैं भाई। चल तू लड़ ले भाई थोड़ी देर। ओके रेंड्रिक्स करके अपना जो पोकेमोन है ये लड़ रहा है, 3 का डैमेज दिया, कोई ज़्यादा खास डैमेज नहीं है। ओके फिर से 3 का डैमेज, चलो देखते हैं क्या ये जीत पाएगा भाई साहब। मैं भी मारूँ क्या इसको? मैं भी मारता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि इसकी बॉडी में आग लग जाए और इससे ना इसको ज़्यादा डैमेज पड़े। ओके चलो भाई आग लग जाए यार, आग लग जा भाई मेरे लाल लग जा। ओके फंस चुका है। चलो कुछ और पोकेमोन छोड़ते हैं, इतने में काम नहीं चलेगा, बहुत टाइम खा जाएगा हम लोग का ये। फिर से थोड़े पोकेमोन छोड़ते हैं। चलो हम लोग अपना वो चार्ज हुआ कि नहीं, फ्रोस्टेरियन को 1 मिनट लगेगी, मतलब भाई सोच सकते हो फ्रोस्टेरियन हम लोगों ने 2 से 3 बार चार्ज कर लिया, मतलब कितना टाइम हम लोग का जा चुका है ऑलरेडी। ओके ओके 1200 की हेल्थ बची है। चलो अबे लग जा आग, इसके अंदर आग ही नहीं लग रही भाई। चलो भाई हमारे पोकेमोन्स को कैसे मच्छर बना के मार रहा है भाई। फिर से मार दिया इसने, कैप्चर रेट देखेगा इस चेक करके, 3% है अभी भी भाई, अभी भी 3% चांस है बस। नहीं करूँगा मैं अभी भी अपनी उसको वेस्ट। चलो बेटे तुझे मार के दम लूँगा, चल एक एक अटेम्प्ट करके देखते हैं भाई, इसमें तो पकड़ा जाए तो मज़ा ही आ जाए। मुझे लगता है पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हो ये भाई फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में भाई, मुझे लगा था कि मेरे काफी ज्यादा लेजेंडरी स्पेयर लगने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट में पकड़ा गया भाई। इसे बोलते हैं भाई।